हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास कुमार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विकास। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने विंडो 10 के जो अपडेट्स होते हैं, जो अपडेट करता है विंडो 10, उसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। ये काफ़ी दिक्कत आती है उस समय जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कई महीनों से अपडेट नहीं होता है, तो वो काफ़ी दिक्कत करता है और सारा अपडेट में MB चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब हमें 5-6 दिन लग गए थे इसे अपडेट करने में। करीब हमें 10 GB तक का डेटा हमें ज़रूरत पड़ा इसको अपडेट करने में। तो उसके बाद मैंने सोचा इसको डिसेबल कर देते हैं। तो हम आपको भी आज वो ट्रिक बताते हैं, वो तरीका बताते हैं कैसे आप इसे डिसेबल कर सकते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फास्टली वर्क कर सकते हैं। इंटरनेट यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट काफ़ी फास्ट चलेगा। तो आइए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाके चेक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरनेट है उसे ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक मैसेज बार पे आएंगे और यहाँ पे ऑल सेटिंग पे जाएंगे। ये विंडो 10 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपडेट सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पे विंडो अपडेट देख सकते हैं, चेक अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो चेक अपडेट पे आइए और एडवांस ऑप्शन पे आइए और इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ डिवाइस अपडेट को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे होगा, ऑन होगा, आपको यहाँ पे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ ही पे सेट रखे रहेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम बैक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कट कर देंगे। इसके बाद आपको अपने क्या नाम है दिस शॉर्टकट पर आएँगे, दिस PC शॉर्टकट पर आएँगे, मैनेज पर आएँगे। मैनेज पर आने के बाद आप यहाँ पे सर्विस एंड एप्लीकेशन पे आएंगे, फिर सर्विस पे आएंगे। सर्विस पे आने के बाद आपको सबसे पहले बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सर्विस प्रोटोस, ठीक है, इसको ऑटो होगा। आप यहाँ से इसको डिसेबल करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे। डिसेबल अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे इसको स्टॉप करोगे। जब तक कि आप स्टॉप नहीं करते हैं वर्क करता रहेगा, तो आप इसको स्टॉप करेंगे फिर ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करेंगे। उसके बाद नीचे का जाएंगे, विंडो अपडेट नाम का होगा, उसको भी आपको यहाँ पे ऑटो होगा, आप इसको डिसेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर स्टॉप करेंगे। सबसे ज़्यादा MB यही लेता है, यही है विंडो अपडेट करने का रीजन, मतलब विंडो अपडेट करता है। यहीं से आप इसको प्रॉक्सी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिसेबल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि ये विंडो अपडेट डिसेबल हो रहा है, पहले कनेक्ट हो गया था। ओके कर देंगे, एक बार और क्लिक करके हम इसे स्टॉप हो चुका है, ठीक है, स्टॉप हो चुका है, ओके कर देंगे, ठीक है। ये आपका सेटअप हो चुका है, अब इसके बाद आपका विंडो अपडेट नहीं करेगा। और यहाँ से जितने भी ये बैकग्राउंड होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, इसे मोर पे जाके इसे लाइव ऑफ कर दिया कीजिए। इससे भी हमारा जो इंटरनेट स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सारे अपडेट होते हैं। चाहे तो आप इन्हें सारा ऑफ़ कर देंगे। देखिए मैंने सारा ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है, ये ऑन है, हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑफ़ हो चुका है, ठीक है, सॉरी हमने ऑन कर दिया है, ये ऑफ, ठीक है, सारा ऑफ है, ठीक है, सारा ऑफ है, ये ऑन है, ठीक है, सारा हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है, ये भी, इसको भी मोर में, आप चाहे तो इसको ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं, ऑफ नहीं है, हम इसे ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि ये अपडेट करता है, इसको भी ऑफ़ कर देते हैं, ये भी अपडेट करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ सही है, मेल को भी हम यहाँ से, इसको भी हम ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ है, और माइक्रोसॉफ्ट इसको भी हम कर देंगे ऑफ़ है, ऑफ नहीं है, ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। काफ़ी यही सारी चीज़ें हैं मैं जो सेटिंग करना, प्ले स्टोर को, मतलब स्टोर को भी हम यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, ठीक है, इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, इतना ही। और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर अपडेट से डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अनेबल के लिए सिंपल सा आप जाइएगा, जब आपको अनेबल करने की ज़रूरत हो तो आप सिंपल से यहाँ पर जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, वही प्रोसेस करना है आपको। सर्विस एप्लीकेशन सर्विस में आना है, बैकग्राउंड एप्स पे आना है, इसको ऑटोमेटिक अनेबल कर देना, ओके अप्लाई कर देना, और इसी तरह विंडो पे भी आना है, ठीक है।
विंडो पे भी आने के बाद यहाँ से आप विंडो अपडेट में भी इसको भी ऑटो कर सकते हैं, अनेबल हम मैनुअल कर सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। बस इतना ही सेटिंग है, उसके बाद आपका जो विंडो है अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस कभी आप इंटरनेट लगाते हैं और ये ऑटोमेटिक अनेबल हो जाता है तो आप जाके सिंपल था मैनुअल में जाके उसे डिसेबल कर दें, क्योंकि ये केस मेरे साथ हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।